नमस्कार दोस्तों, एम्पियन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है पेरिस ओलंपिक्स 2024 से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्याख्या के साथ। शुरुआत करते हैं थोड़े इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ग्रीस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आगाज किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगिन इन ग्रीस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1896 में। 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जानी जाती है, एक बहु खेल प्रतियोगिता थी जो यूनान यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस में 6 से 15 अप्रैल 1896 के बीच आयोजित हुई थी। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी। चूंकि प्राचीन यूनान ओलंपिक खेलों का जन्म स्थल था, इसीलिए एथेंस आधुनिक खेलों के उद्घाटन के लिए उपयुक्त विकल्प माना गया था। किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रिकॉर्ड के अनुसार 2 रजत पदक भी जीते? इन विच ईयर्स ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो वन 2 सिल्वर मेडल्स एज पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी रिकॉर्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1900 ईस्वी में। साल 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचार्ड ने ब्रिटिश शासन वाले भारत के लिए इन खेलों में भाग लिया था। इन्होंने पुरुषों की 200 मीटर तथा 200 मीटर 12 दौड़ में रजत पदक जीता था। ओलंपिक इतिहासकार पिचार्ड के प्रदर्शन को भारत के पदकों में शामिल नहीं करते हैं। ब्रिटेन भी दावा कर चुका है कि पिचार्ड ने ओलंपिक में उनकी तरफ से हिस्सा लिया था, लेकिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का रिकॉर्ड है उसमें यह रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज है। भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी टीम किस वर्ष आयोजित ओलंपिक खेल में भेजी? इन विच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली सेंड इट्स टीम टू द ओलंपिक गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी। 1900 के पेरिस ओलंपिक के बाद भारत अगले 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं ले सका। सर दोराबजी टाटा और बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयड ने अपने अथक प्रयासों से भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की सदस्यता दिलाई। भारत ने इसके बाद साल 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी टीम भेजी। भारत ने इस साल 6 खिलाड़ियों का दल भेजा था, हालांकि कोई पदक भारत नहीं जीत सका। 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? वेयर विल द ओलंपिक्स बी हेल्ड इन 2028? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजलिस यूएसए में। 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट 5 नए खेलों में से एक होगा। ओलंपिक कमेटी ने पिछले साल लॉस एंजलिस 28 के लिए क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल कहिए, फ्लैग फुटबॉल, लाक्रोस जिसमें 6 खिलाड़ी खेलते हैं और स्क्वैश को शामिल करने की मंजूरी दी थी। 2024 में आप जान ही रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ओलंपिक 2032 की मेजबानी किस शहर को दी गई है? विच सिटी हैज बीन गिवन द होस्ट ऑफ ओलंपिक्स 2032? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिस्बेन। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके 3 अलग अलग शहरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी 2000 ईस्वी और मेलबर्न 1956 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। भारत ने साल 1900 ईस्वी से लेकर के 2024 तक ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक अपने नाम किया है? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वन इन द ओलंपिक्स फ्रॉम 1900 टू 2024 सो फार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 41 बार। अपने पदार्पण में 2 रजत पदक जीता था 1900 ईस्वी में, इसके अभियान की शुरुआत हुई थी, तब से इसने 25 ओलंपिक खेलों में 41 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 10 है गोल्ड मेडल, 10 है सिल्वर मेडल और 21 है ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने सबसे ज़्यादा हॉकी में ओलंपिक मेडल जीता है। इसके बाद है कुश्ती में 8 पदक, शूटिंग में 7 पदक, एथलेटिक्स में 4 पदक, बैडमिंटन में 3 पदक, बॉक्सिंग में भी 3 कांस्य पदक, भारोत्तोलन में 2 पदक और टेनिस में 1 कांस्य पदक। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है, लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एम्पियन अकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था,
तो दोनों सीट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें अभी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावा, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150, 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज और टेस्ट सीरीज, दो प्रकार के हैं एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप यानी वन ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों, और ये क्या है पीडीएफ नोट्स, इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे इसमें, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिविजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे, सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे, आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा, ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे, वहां पर जाकर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहां पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन, वहां जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा, वहां पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या था, व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रीज। यह पारंपरिक फ्रीजियन टोपियों के आधार पर बनी गई छोटी आकृतियां हैं जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक है। फ्रीज स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और फ्रांसीसी गणराज्य के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतों को प्रदर्शित करता है। तो यह एक कैप है, टोपी है, ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। ओलंपिक प्रतीक में 5 अलग अलग जुड़े हुए छल्ले होते हैं इस प्रकार से, जो आमतौर पर 5 अलग अलग रंगों में होता है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। और ये जो 5 छल्ले हैं, रिंग्स हैं, ये 5 अलग अलग कंटिनेंट को दिखाते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को एक ही रिंग से प्रदर्शित किया गया है, बाकी है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था, व्हाट वाज द मोटो ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गेम्स वाइड ओपन। आयोजकों ने 22 जुलाई 2022 को इस नारे की घोषणा की थी। आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत क्या है, परेड है,
जिसे विक्टर ले मानसे ने संगीतबद्ध किया है और ऑर्केस्ट्रे नेशनल डी फ्रांस द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। 206 देशों ने इस बार ओलंपिक में भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हु वाज द इंडियाज फ्लैग बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल और पीवी सिंधु। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मूक स्टेडियम के बाहर पहली बार आयोजित उद्घाटन समारोह के आखिर में आधिकारिक तौर पर पेरिस ओलंपिक के शुरुआत की घोषणा की। उद्घाटन समारोह सीन नदी पर खुले में आयोजित किया गया था। 205 देशों के खिलाड़ियों ने सीन नदी पर नाव परेड में हिस्सा लिया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्लोजिंग सेरेमनी जो हुआ था उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हु वाज द फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? हु वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर ने पहला पदक जीता है। निशानेबाजी से शुरुआत करते हुए मनु ने देश का पहला पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक था जीता। वह इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसके साथ मिलकर अपना दूसरा पदक जीता? विद होम डिड मनु भाकर विन हर सेकेंड मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सरबजोत सिंह के साथ मिलके। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रचा और वह एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली आज़ाद भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। आपको अभी याद ही होगा कि 1900 ईस्वी में 2 रजत पदक एक पुरुष खिलाड़ी ने जीता था, लेकिन वो आज़ादी से पहले की बात थी। आज़ादी के बाद ये पहली खिलाड़ी बनी है जिसने 2 पदक जीता। मनु ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में तो कांस्य पदक जीता ही, साथ ही साथ सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। क्या आपने एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन अकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी की किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? स्वप्निल कुसाले वन ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट ऑफ शूटिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस। भारतीय निशानेबाजी दल ने 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 3 पदक जीता है। महाराष्ट्र के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन्होंने अपना मैच 451.4 अंक के साथ समाप्त कर कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक चीन के विश्व रिकॉर्ड धारक लियू युकुन ने जीता, जबकि रजत पदक यूक्रेन के सेरही कुलिस ने जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? इंडियन मेंस हॉकी टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग विच टीम एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेन टीम को हराकर। भारत ने 8 अगस्त को पेरिस में हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। यह ओलंपिक में भारत का लगातार दूसरा कांस्य पदक है। दोनों गोल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए और स्पेन के लिए एकमात्र गोल मिरालेस ने किया। यह भारतीय गोलकीपर पीआर सिरजेस का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी था। नीदरलैंड पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था जर्मनी को हरा के। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक स्पर्धा में कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडियन मेंस हॉकी टीम वन सो फार इन द ओलंपिक इवेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुल 13 पदक जीता गया है। भारत ने अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल हॉकी में ही अपने नाम किए हैं 13। इसमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक है। साल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी टीम ने भारत को इसका पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936, लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 के ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इस समय को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर भी कहा जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता?
विच टीम वन वीमेन्स हॉकी गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने ओलंपिक खेलों में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की क्योंकि इनकी महिला टीम जो कि मौजूदा चैंपियन है ने चीन पर 3-1 से शुरुआत में जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। यह जीत पुरुष टीम द्वारा जर्मनी के खिलाफ विजयी होने के ठीक एक दिन बाद मिली, यानी कि दोनों पुरुषों का भी और महिलाओं का स्वर्ण पदक हॉकी में नीदरलैंड के नाम रहा। कांस्य पदक महिला में अर्जेंटीना टीम को मिला। भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाई, इसीलिए नहीं खेली। भारत की महिलाएं टोक्यो 2020 में कांस्य पदक मैच में हारकर ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कुश्ती में एकमात्र पदक किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर वन द ओनली मेडल इन रेसलिंग फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमन सहरावत। पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती के मैच में क्योटो रिको के डेरियन क्रूज को हराकर पेरिस ओलंपिक में भारत के नाम छठा और अंतिम मेडल कांस्य पदक के रूप में जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया? हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुल 117। भारत से कुल 117 एथलीट को पेरिस ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिला था, लेकिन इनमें से एक भारतीय एथलीट ऐसी भी है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद भी खेलने का मौका नहीं मिला। वो भारतीय एथलीट कौन थी? सहारनपुर यूपी की प्राची चौधरी 400 मीटर रिले दौड़ में। भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता? इंडियाज नीरज चोपड़ा वन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल इवेंट विद अ थ्रो ऑफ हाउ मेनी मीटर्स इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 89.45 मीटर। नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीता, जबकि इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल ग्रेनाडा के एडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर जैवलिन फेंककर अपने नाम किया। पेरिस ने तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र अन्य शहर कौन सा है? पेरिस हैज होस्टेड द समर ओलंपिक्स फॉर द थर्ड टाइम, विच इज द ओनली अदर सिटी टू हैव अकॉम्प्लिश्ड दिस फीट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लंदन। इससे पहले 1900 और 1924 में मेजबानी के बाद पेरिस तीसरी बार 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बना लंदन के बाद। लंदन ने 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेजबानी की थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ किसने जीती? हु वन द मैंस 100 मीटर रेस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नोहा लायंस। नोहा लायंस जो कि अमेरिका के हैं ने 100 मीटर फाइनल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल किया। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ने 9.784 सेकेंड के प्रभावशाली समय में दौड़ पूरी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। सिल्वर मेडल मिला है किशन थॉम्सन को और दोनों पुरुषों के बीच यानी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बीच जो अंतर था वो 0.05 सेकेंड था। तो कितना क्लोज फाइट था कि गेम होने के बाद भी अंपायर को समय लगा विनर को डिक्लेयर करने में। ब्रॉन्ज मेडल जीता फ्रेड करले ने। वैसे इस स्पर्धा में उसेन बोल्ट सर्वकालिक ओलंपिक चैंपियन है जिसने 13 साल से इस स्पर्धा में दबदबा बनाया हुआ था। इन्होंने 8 स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ किसने जीती? हु वन द मैंस 200 मीटर रेस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेट्साइल टेबोगो। बोत्सवाना के लेट्साइल टेबोगो ने 200 मीटर फाइनल जीतकर ग्रीष्मकालीन खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक सुरक्षित किया। वह पुरुषों की ओलंपिक 200 मीटर दौड़ का खिताब जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए जब इन्होंने अमेरिकी जोड़ी केनी बेड्रानेक और नोहा लायंस को हराकर बोत्सवाना के लिए स्वर्ण पदक जीता। बेड्रानेक को सिल्वर मेडल और नोहा लायंस को ब्रॉन्ज मेडल मिला। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ किसने जीती? हु वन द वीमेन्स 100 मीटर रेस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जूलियन अल्फ्रेड। जूलियन अल्फ्रेड ने महिलाओं की 100 मीटर
फाइनल जीतकर स्प्रिंट दौर में सेंट लुइसिया के लिए पहला ऐतिहासिक पदक जीता। विश्व चैंपियन सकारी रिचर्डसन दूसरे स्थान पर रही, जबकि इन्हीं की हमवतन मेलिसा जेफरसन तीसरे स्थान पर रही। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस टीम ने पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता? विच टीम वन द मैंस फुटबॉल गोल्ड मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। सर्जियो कैमेलो द्वारा अतिरिक्त समय में 2 गोल करने के बाद स्पेन ने पार्क डेस प्रिंसेस में एक रोमांचक फाइनल में मेजबान फ्रांस पर 5-3 से नाटकीय जीत हासिल करके 32 साल बाद पुरुष फुटबॉल में स्वर्ण पदक हासिल किया। मोरक्को ने मिस्र को 6-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 के टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन द वीमेन्स सिंगल्स गोल्ड मेडल इन द टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, झेंग किनवेन। चीन की झेंग किनवेन ने क्रोएशिया की डोना विकेच को फाइनल में 6-2, 6-3 से हराकर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता। यह महिला एकल में चीन की पहली जीत थी और 2024 में महिला युगल के बाद ओलंपिक टेनिस में देश का पहला स्वर्ण पदक भी था। पेरिस ओलंपिक 2024 के टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन द मैंस सिंगल्स गोल्ड मेडल इन द टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को 7-6, 7-3, 7-6, 7-2 से हराकर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कांस्य पदक रहा इटली के लोरेंजो मुसेट्टी के नाम। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए? हाउ मेनी न्यू गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुल 4 खेल। ये खेल कौन कौन थे? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ओमेगा टाइम कीपिंग ने 329 स्पर्धाओं और 32 विभिन्न खेलों में 132 ओलंपिक और 38 विश्व रिकॉर्ड की पुष्टि की है। ओलंपिक की महिला बास्केटबॉल स्पर्धा में किस टीम ने लगातार 8वां स्वर्ण पदक जीता? विच टीम वन इट्स 8th कंजुक्यूटिव गोल्ड मेडल्स ऑफ द वीमेन्स बास्केटबॉल इवेंट ऑफ द ओलंपिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिकी महिला बास्केटबॉल टीम ने फ्रांस को 1 अंक से हराकर लगातार 8वां ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम यूएसए ने अंतिम शॉट तक चले संघर्षपूर्ण फाइनल मैच में 67-66 के अंतर से जीत हासिल की। पुरुष फाइनल में करी ने 24 अंक बनाए और फ्रांस पर 98-87 से जीत हासिल की, जिसके बाद अमेरिका फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बना और यह 5वां लगातार खिताब था इसका। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? विच प्लेयर वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लियोन मार्चेट। चीन की झांग युफेई ने सर्वाधिक 6 पदक जीते थे, लेकिन इसमें स्वर्ण पदक एक भी नहीं था, एक था रजत और 5 कांस्य पदक। जबकि फ्रांस के लियोन मार्चेट ने कुल 5 पदक ही जीते, लेकिन सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक इसने जीते और एक कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में मेजबान देश फ्रांस का स्थान क्या रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ द होस्ट कंट्री फ्रांस इन द मेडल टैली ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान रहा। यहाँ देखिए 5वें पोजिशन पर रहा। यूएसए ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? 126, जिसमें 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक थे और यह पहले स्थान पर रहा। चीन ने स्वर्ण पदक तो 40 ही जीते, लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल कम थे, कुल 91, इसीलिए यह दूसरे स्थान पर रहा। जापान की टीम तीसरे स्थान पर और ऐतिहासिक रूप से ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप 4 में स्थान बना सकी। फ्रांस ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीता, 26 सिल्वर और 22 कांस्य पदक, कुल 64 पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा होस्ट कंट्री। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा?
व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 71वां पोजीशन रहा भारत का। भारत ने कुल 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 कांस्य, और अपने पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में अपने अभियान का समापन किया। इस बार भारत को किसी भी खेल में स्वर्ण पदक नहीं मिल सका। एकमात्र स्वर्ण पदक ने पाकिस्तान को पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक तालिका में वर्तमान में कितने स्थान पे फिनिश किया उसने, 62 पोजीशन पर, और भारत रहा 71वें पे, तो भारत पाकिस्तान से पीछे रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भारत 48वें स्थान पे रहा था, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा का एक स्वर्ण पदक भी शामिल था। दोस्तों, इसी के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित इस वीडियो को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। पैरालंपिक्स गेम का भी वीडियो जब समाप्त होगा गेम, तो उसका जारी किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।